रही आंख फाड़ फाड़ के, काम कर ले काम, धूप होने लग रही है, हाथ भी ऐसे चलावे जैसे हाथों का मेहंदी लग रही हो। इसकी माँ ने कुछ सिखाया कि ना? अरे मैं तो कितना ही काम कर लूँ पर थारी तो चिक चिक करण की आदत है, तू देख ना सकती मैंने सारे गुस्से ठा दिए। हाँ गुस्से तो तन्ने कहीं नहीं पार ठा दिए, कदी थम न ठायो तो मैं भी ठा देती। ए मेरी ना पूछे, मैंने तो बड़े बड़े ठा दिए। अरे तन्ने बड़े बड़े ठा दिए तो छोटे छोटे को तो मैं भी ना छोड़ दूँ। मका नाश हो जाएगा नु तो नाश हो जाएगा। उधार दे तो मुसीबत और ना उधार दे तो मुसीबत। के बात होगी लाला जी, कहाँ भाग के जा रहा तड़की तड़क? और के बताऊ चौधरी ने, और के बताऊ मरे मरे बालक तुमने दादा बना रखे दादा। अरे आज नहीं तो कल हमें तो इस गांव में तो भाजना ही पड़ जाएगा। ऐसी के बात होगी लाला जी, कुछ हमें भी तो बताओ क्यों पसीने छोड़ रहा? पसीने? और पसीने तो तेरे सपूत ने छुड़वा रखे, तेरे सपूत ने छुड़वा रखे। और ये नहीं करू गया तो एक दिन तो मेरे तो प्राण ही छूट जाएंगे। बस क्यों प्राण छोड़ दिया तड़की तड़क लाला जी, बात बता के हुई? और बात बताऊं के हुई? दस बर मंडल माचिस ले गया, दस बर मंडल माचिस ले गया। एक दिन टोल का टोल बालकों का 2 किलो मूंगफली ले गया। और आज 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 की बताऊं? ईब तड़की तड़क बोनी भी ना हुई थी, रेवड़ी का डिब हटा के ले गया और मारे नौकर ने रोक क्या तो मुंह पे थप्पड़ मार गया। तो पैसे तो दे गया होगा? पैसे कैसे? पैसे पैसे तो पैसे, इसने तो हमारे हाथ पर थुक्या भी कौन है। और जब पैसे मांगू तो झोटे की डाल मारी डू लखावे मर खड़े झोटे की डाल। फूफा जी तेल वाला आ रहा है मंडी पे, दुकान पे चलो। अब तू भी आली, तेरा भी पा घर में नहीं टिकता, इसे तो बता दू इसके पूत की करतूत। जी बता जाऊंगा दुकान पे। तुम दुकान पे चलो ना, मैं बता दूंगी। ठीक है तू बता दी से सारी बात। चौधरी ने देख बता के जा रहा, मैं रोक लिया अपने शेर को और नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा। मैं कहेंगे लाला जी ने रिपोर्ट कर दी, गांव की बात है। और मैं गांव की बात है, कहाँ डूब का मारू, हम तो छोड़ के लाड़ो न खा लिए। अरे ऐसी कोई बात ना है, मेरे फूफा को तो आदत है माणी माणी बातों को राय का पार बढ़ा के बताने की। लाली बात खारी ना है बेटी, इसके तो और भी बहुत उलाने आ लिए, और तो इसके पापा के से ठीक करवाऊ। ये तो छाट छिके खेल गोसे लेती जाइए, कभी यही पसर जा। यहाँ की चिंता मत करो, अपने कुनबे की चिंता करो, जाकर अपने कुनबे को समुआओ। कभी सोली ना बोलती है बुढ़िया, हर टाइम धूलिया खाई रख है। अरे सतीश, सतीश आ जा। अच्छा अरे फावड़ा का बिंटा किसके लाया था? गिरवा के सुल्तान के गिरवा के लाया था। कितने का? 10 रुपए का गिरा था। अरे भाई यू ना चला 10 दिन भी तो जम्मन पम्मन का गेट दिया उनने, और वे डोल सारी रह रही। डोल के चाचा काम तो बना ही पड़ा, इंगे खाड़ खांसना, इंगे खेत की पड़े वारी। असांझ को मुझे ओमवीर के यहाँ भी जाना था। वहाँ के है? उनकी शादी की सालगिरह प्रोग्राम था आज। तू तो चला जाइए, पर वो नाश खेत आ जाता ना मनोज, तो कितना ही काम निमटता। निमटता न्यू क्या, वो काम बढ़ता। कलू राम फल रो रहा था, उसके बुए बुए खेत में लुंगाडो भी टोली ले कबड्डी खेल आया, अब उसे फेर बोना पड़ेगा बेचारे को। सुने के मेरा बस के ना छोरे का लाने सुनने, या तो इसे समझा ले ना तो 30 मिनट का उसके उठाने। ओहो अरे क्यों तड़की तड़क फेस टू फेस हो रही? दिन निकटता नहीं, उसका उलाना पहले आ ले है। वो आया था काली चरण बनिया, उसकी दुकान ले गया लूट का तेरा लाडला। बस के बता मैं, असि नाश की जड़ पैदा हो रही हमारे घर में। यू भी तो छोरा है, रात दिन काम करे और उस नालायक ने ना तो नाक में दम कर रखा, पता नहीं सुसरा किसका है। ये कहा? अरे मैं तो नू कह रहा था, पता नहीं ऐसी औलाद हमारा कहाँ पे। चाचा आज उसे गर्मा लो, इतना 2-4 से कान पे ना लगेंगे ना, इतना वो सुधरे ही नहीं। ठीक कह रहा तू, आज उसकी खाल तार नहीं पड़ेगी। है कहाँ वो? घर था स्कूल के ना कगा था वो। अरे इतने तो हम भी जाने, कितना स्कूल में जाओ। मनोज न्याया आदमी भाई, इस लड़के का तो भगवान ही मालिक है। हाँ भाई कहाँ है तारा लीडर? बात कर गुरु जी, जो हमें बताओ जी। हम तो सुनते स्कूल तक घर, घर तक स्कूल जाया बस। हाँ ये स्कूल तुमने ना चला रखा, एक के क्लास के तुम 5वां दर्ज को मैं पास करो, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, डैडी मुझ पर तारे दौड़े आने को हो रहे।
जो सारा ध्यान रखता ना यो काम ही तो ना हो गए तेरा गुरु जी, जो यू काम हो जाए ना तो हम स्कूल की भीत तड़े को भी नहीं निकले। ए चुप, तेरे ससुरे कहेंगे तुम्हें पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू खैरू मर के थे तो क्लास के मॉनिटर थे। बात जी इन बात तो मैं कुछ नहीं दे रहा जी, जी वो खैरू मर का था नहीं प्रधानमंत्री बन गया था वो देश का। हमें बता रहा जवाहरलाल प्रधानमंत्री कब बना, बैठो चुपचाप। अरे देखना जी मास्टर जी को लग रही है मेरे काम में जाती है जब बैठ जाते आन दो साथ हम ठीक करेंगे। अरे गुरुजी तभी तो ठीक ना करते और तुम ठीक करते तो यह बात ही ना होती और ना तो हमें पता। अरे एंड जा रे एंड जा बैठ जा कदे तू ही ठीक हो जा। बैठो दोनों बिना मतलब आपस में झगड़ते हो। ये बताओ मनोज कहाँ है?
डर जा, मैं तो तेरा उलाने ना खाली, कोई भी काम आया का मुझे उलाने दे जा, और तेरा बाप आके मुझे कह रहे। पर ना तो स्कूल में जाता, तीसरे दिन तेरा होते उलाना आवे, क्यों तेने सारा परिवार परेशान कर रखा। अरे इब सुननी रहा के कह रहे हम महात्मा से बना बैठा जाना कुछ नहीं जानता, क्यों तेरा माला जीना आराम कर दिया है, हमें चैन की दो रोटी खान देगा कि नहीं। और दादू ने मैं बालक आवे किसी के उलाने, उसे देख ले कप्तान के छोरे को, आवे कदी उसका उलाना, वो तेरा ही साथी है। अच्छा इसे खुआरियां बैठा के प्राम के यू हर चला का आना, यू बड़ा काम कर का आया, से नाश खेत पैदा हो गया घर में, हम काम करी में निकल भी नहीं सकते, और तू तू इसे जिमारी। ठीक है मेरे तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तू जाना तेरी औलाद, मुझे और बहुत काम करने हैं। ये कहाँ चला, दो घड़ी बात सुन ले मारी, डकैत बनेगा मरा बुढ़ापा खराब करेगा के, तो दुनिया के सामान ठाता फिर है के काम ही मारे घर में, कौन सी चीज ना। चाचा तू माड़ी माड़ी बातों को बड़ा चढ़ा के मत बताया करे, किसकी भैंस खोल ली मन ने। भैंस या भैंस तो कम है, तू लाला का नाश करिया, वो रोता हुआ था पता नहीं क्या क्या कह रहा था तेरे बारे में, शर्म नहीं आई। तने देखा लाला का सामान ठाता मैं, लाला का तो जिस दिन दो लग जाएंगे ठीक हो जाओगा। समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ भी, न खून पी लिया हमारा है, घर में के बड़े छोटे हैं कोई, तो बारा पट जगह जा। इसा सारी रात बंदे रहने पाया, और जो किसी ने खोल दिया तो उसकी खाल तार लूंगा मैं, और तड़की तड़की मुझे गैर मार पाना चाहिए। सुबह जगह ठीक खूब पता था जब अपने बाप के गुस्से का, ये पड़गी शांति, ये बैठ जगह नहीं चलवाया। तीनों ने तो बांध दिया, एक बांध के दिखा दियो कोई सा, बुला ले चल। हाँ ताना है तू, खोलती हो तो खोल दे, ज्यादा भाषण तो देवे ना, मुझे ना पिटना तेरे बाप पे, मैं तो घेर में जा रही शादी करन। अरे खोल जा नहीं तो देख लिए फिर। सुनी ना है उसे, जोर से बोल तो जैसे सुन गई, तू खोल दे, खोल मेरी गेल जुड़वा दे मुकदमा, मगर खोल दे, मैं तो खोल लू ना। हाल कैसा है जनाब, तेरी बंदा बंदा जोर दिखा रहा, तुझे खोल दे तू एक बार फिर देख ले। खोल दू हिदरा बेगो मान रहा मुझे। अच्छा बलर सा जोड़ा बुग्गी में, ऐसे में तो तेरा एक फोटो खींच जाने, बहुत बढ़िया लगेगा। फोटो फोटो तो मैं तेरे उस फूफा काली चरण का खींचूंगा, वही तो गया लंग लगा के। अकल तो तुझे है ना बात करने की, जी भी तो बंदा पड़ा है, ईब भी खुलने की बात ना कर। तो फिर खोलती क्यों ना है? ईब आया ना राह पर। जल्दी खोल। खोल तो मैं दूंगी, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। के बात? बस एक बार नू कह दे, अक मैं तुझे अच्छी लगू। बस न्यू कह दू? हाँ। टाल मार खोलने की, मुझे ना खुलना। एक बार फिर सोच ले, कोई ना खोलने का है। टाल मार अपना काम। लली आ गई तू, मैं तो कितनी बार तक फोटो ढूंढ रहा था, तेरे नहीं तो धरे थे, अच्छा कहाँ धर दिए, अब ना मिले तो फिर खिंचवाने पड़ेंगे, फिर पैसे लगेंगे, अब जब तक खिंचवा लूंगा फिर पा जाएंगे, फिर पा जाएंगे। मुझे ना पता कहाँ धरे, मैंने ना देखे, बक्से में ना मिले क्या? बक्से में ना मिले, देख लेना। नू दुखी होना पड़े बिना वीर बनने के, और इतने रश्मि की फूफी रही, एक सुई भी तो ना खुई, वो भी चाहिए स्वर्ग में हम नरक में, ऐसा संभाल के धरती हर एक चीज को, मांग तू लाके हाथ पे धर देगी।
अरे इब तो हर एक चीज को ढूंढते ढूंढते बावड़े हो जाओ और जो मिलती हो तो इसे दूध को से मनोज को दिया और उसकी रस्सी खोल लिया। अजी तुमने बड़ी चिंता करी, उसने दूध भी पी लिया, उसकी रस्सी भी खुल गई। रस्सी खुल गई? गेट भेड़ का फटाफट ले लिया। ये एक तो मैंने भेड़ दिए। क्या करें, इसका कुछ समझ में बात नहीं आती। सारे दिन गांव में उल्टे सुलटे काम करे, कुछ कहवे तो पाड़ने को आवे। ब्याह हो जाएगा, सिर पे जिम्मेवारी आ जाएगी, अपने आप काम करने लगेगा। अरे के ऐसी तैसी करने लगेगा, सुरे ने सारे कुंडबे की नाक में दम कर रखे। अरे अरे किसी को कुछ दिखाई दे वे के? अरे आज तो भाई मम्मो भाई भैंस नुवारा आवाजो। अरे मैं यूं सोचा, हम जिंदगी में नहाए हो या ना नहाए हो, भैंस तो नुवालू। अरे भैंस के तू अपने आप नुवारा, भैंस तो तेरे पे वो रात वाली गोड़ा लट्ठी नुवारी। खैर एक बात है भाई, तो मम्मू भैंस नुवावे बहुत मुड़ मुड़ के। क्यों भाई, भैंस दूध ना देती? दूध और हल्दी चोट में बहुत काम आवे। अरे सुन, मैं भैंस को नुवा के उसका तेल भी लगाऊंगा। अच्छा रे। खैर भाई एक बात है, तेल तो रात लच्छी का भी लग रहा था। लेख लू एक एक को। हाय, इस गुस्से को कभी नाकपेटी भी उतार दिया कर। आज स्कूल ना गया, मैं भरवाऊं पानी। तारा कोई काम ना है? मैं ऐसे क्यों नाराज हो रहा है, मैंने तो खोल दिया था। मैंने क्या ही तेरे से खोल लेगी, जाना वो भेड़ का फुप्पा आ जाएगा। लिखावे ऐसे जब बड़ा दिखे चश्मे लग रहे हो। किसी से कुछ भी कह ले पर मेरे से नाराज मत हुआ बस। के कुसामन से करवा रहा है? मुझे जरूरत ना है ऐसी कुसामन। दिखे देख कितना बढ़िया नाम मिलने वाली तुझे। हाँ हाँ यही आई है, चांद पे तो उतर के देख लूंगी तुझे भी। तू कौन से उसकी पर ब्याह कर लाऊंगा? देख लिए, सारी दुनिया देखती रह जाएगी जब लाऊंगा। सीट गलत पकड़ गई। अच्छा कमरू देख तो क्या गदर मारा है। जसवंत ये मेरे चाचा की छोरी है। चाचा की? अच्छा सुनो, सब अपनी अपनी किताब ले गए, वहां पेड़ के नीचे आ जाओ।
शबनम तू? अरे हिमलता तू? तू कहाँ बैठी थी? मैं तो वहाँ बैठी थी, पर तू कहाँ बैठ गई? या तो बड़े बदतमीज लड़के मनोज की सीट है, तुम्हारे दो राजा। अरे मैं तो ना बैठा था, कोई अपने दोरे अपनी माँ बाण दोरे जाकर बैठ जा। देख ले हर वक्त अंगारे बरसावे, बस दूर रहकर ना तो फूक जाएगा। अरे हम तो कड़ को तैयार बैठे हैं। तो फूक जाओ फिर हमारे नाम में लोगो। अरे नाम तो किसी के लगा देता हूँ, फूक तो दो। जब बजा गया इधर रंजी थी कैसे किसी अजीबो गरीब नमूने इस स्कूल में, ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रह गए। छोड़ियों के पीछे तो इस स्कूल के लड़के बावलों की तरह पड़े रहे। सारी क्लास ही ऐसी है क्या? सारी क्लास, पूरा स्कूल ही ऐसा है। एक ठीक है तो वो किसी से सीधे मुंह बात ना करता। लड़कियों से बात ना करता? लड़कियों से तो ऐसा चेहरा जैसा उसे खा जाएंगे। मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ू थी, वहाँ का माहौल ठीक था, और तो और स्कूल में जाने की नियाबी बस लगी हुई थी। यहाँ रोज पैदल जाना पड़ा है और यहाँ तो सवारी का भी कोई साधन ना है। बच्चे छोड़ियों चल। भैया जी रुकिए रुकिए, भैया आपकी दाती गिर गई। दाती रोकियो फूकी, थामियो, दाती गिर गई। अरे कित जाओगी तुम? यही जाओगे समोली? आ जाओ तो बैठ जाओ, वहीं उतर जाइयो। आराम तो बैठियो, कि चोट लगवा लो। बैठ गई? चलो चल। दोनों संभाल ली जाओगी? हाँ भैया जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करो तुम? इंटर में। चल बस भैया जी, यही रख दो, हमारा काम आ गया। अच्छा देखियो ये लंबे वाली छोरी कितनी सोनी है, ऐसी मारे मनोज कहा जाता। मनोज के? पहली बात तो मनोज के ऐसी आवे नहीं, और जो आ गई ना उसके लक्षणों को देख के चार दिन में ही भग जाएगी। तेरा ससुरा सारे दिन फिर हो जाए बीड़ी पीता। चल हाँ, तो मैं कह रहा था अहिंसा परमो धर्म है, यतो धर्मस ततो जय, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। जहाँ धर्म है वही जय है। तू क्यों लड़ाया? जा भाग जा यहाँ से, तेरा तो नाम कट गया। एक महीने में आया, आज सरा मान रखा स्कूल को। जा अपने बाप को ले बुला के, नहीं तो यहाँ आ मत जाइए। अजय गुरुजी अब के चढ़ा लो नाम, अब ना करने का एक दिन की भी छुट्टी। मनोज मैं तुझे कितनी बार समझा चुका। यू है क्या मनोज? हाँ यू ही तो है। अजी चढ़ा भी लो, जब मैं कह रहा इब ना करने का ऐसा। जा राज्य में चला जा, क्यों मुझे डंडा खाने मजबूर करे। जा ओए सीधे बैठो, या भेज दू सी गैल तुम्हें भी। अजी उसकी गैल तुम रोज ही रहे, हम इनकी गैल बैठा देने आगे बैठी। अरे थरी दौर पैठे हो रहे स्कूल में, बिना डंडे के ना सुधरो तुम। इधर आओ जी। हम तो पढ़ान के मारो कह रहे थे कि इनकी गैल बैठा दो हमें आगे। मुर्गा
मुर्गा बनाओ सारे, तब मैं आज आज भी बना के छोड़ दूंगा। जा। अजय अजय मास्टर जी कह तो रहे थे हम अगर मुर्गा बनो और आदमी कुकर बन जाएंगे हम। तुम मुर्गा बनो पहले, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अजी गुरु जी मुर्गा तो तुम मजा बना दियो और इनकी बनाई है मुर्गी। जुबान चला रहे हैं, मुर्गा बनो। मास्टर जी आपको प्रिंसिपल साहब दफ्तर में बुला रहे हैं। अरे ठीक है, जब तक मैं ना हूं ऐसे मुर्गा बने रहना। रे स्कूल में मुर्गे आ गए, किसी को दाना घेरना हो तो घेर लो। अरे घरु भी कोई दाना हो ना तो बता दिए भाई, हम तो थारे घरु जाके चुग लेंगे। गाने बोल रहे हो, दूर दो तीनों को यहीं धर का यहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, अरे वो ना हमारा शेर, उसके आगे ना खोलने का जुबान गुरु पद दिए थे भी। अरे क्यों यहाँ शास्त्री कहाँ? अरे शास्त्री को फूक पर यहाँ मुर्गा बनवा गया मैं। कुछ होया भी? अरे हुआ के वो शास्त्री है ना। अरे अजय गुरु जी यू है मेरा बाप। क्या मतलब? मेरे पिताजी हैं जी। तुम्हारा ये लड़का इतना नालायक है, इतना नालायक है, मैं इसे स्कूल में बिल्कुल नहीं रख सकता। स्कूल में तो आके जो थारा भी टाइम खोरा और अपना भी टाइम खोरा। मेरे मानो तुम इसे या तो कोई काम धंधा सिखा दो या खेती बाड़ी में लगा दो इसे। ठीक कह रहे हो मास्टर जी, इस तरह पूरा गांव दुखी है और इसका बाप दुखी। क्या मेरा मतलब है? मैं भी पूरा दुखिया लिया इसका, तो अब तो तुम इसका नाम चढ़ा दो। श्रीमान जी इसकी इतनी शिकायत है, इतनी शिकायत है, मैं इसका नाम बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता। हाँ प्रिंसिपल साहब से मिल लो, चलो देख ले। अब तुम सब अंदर कमरे में जाओ, आप मेरे साथ आओ जी। चलो चलो आइए। अब आइए शास्त्री जी, क्या समस्या है? सर ये है वो लड़का मनोज, इतना नालायक लड़का है सर, कभी स्कूल टाइम पे नहीं आना, कोई काम टाइम पे नहीं करना। क्या भाई सीधे खड़े हो? पहले कॉलर ठीक करो, ये क्या है? इन्हीं हरकतों की वजह से इसका नाम कट गया सर, और आप इनके पिताजी नाम चढ़वाने के लिए आए सर। पहले से लापरवाही दिखाई दे रहे तुम तो, तुम्हारी ड्रेस प्रॉपर नहीं, ठीक नहीं, इस तरह से चलेगा कॉलेज? सही समय पाया करो, ठीक है? समय पर आओगे? आप भाई आप इनके पिताजी हैं? हाँ मैं इनका पिताजी हूँ। अच्छा आपको पता चला था कि इनका नाम कट गया? हाँ मुझे पता लगा। अच्छा हम भी बहुत परेशान हैं जी इनसे। परेशान? आपस में कोई बात कर ली तो इसने दो तय तोड़ दियो। ठीक है इसकी पिटाई तो हम करेंगे ही बाद में। क्यों शास्त्री जी ने चांस दिया था? ठीक है सर रख लो सर। ठीक है एक चांस और देते हैं हम तुम्हें, इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर नहीं रखे जाओगे। ठीक है बापू। अच्छा तू ही है एक मेरा बाप बनने की ना, चला जा सारे ब्लॉक वाले ढूंढते फिर तुझे। अम्मी सलाम। सलाम आ ली तू? हाँ चल रसोई में तो रोटी खा ले। अरे रोटी छोड़ पहले एक बात सुन। अरे काम तो करने दे पहले। नहीं अम्मी पहले बात सुन, क्या बढ़िया बात बताओ। क्या बात सुना रखी? सुना के हदीस सुनावे की तू? अम्मी महारे स्कूल से कैसे तूफान पड़े पता? अम्मी महारे स्कूल से एक छोरे का नाम कट गया और अम्मी नाम चढ़वाने की निया छोरा अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को अपना बाप बना के ले आया। अच्छा है? अरे इतना झगड़े बाजे कि कोई उसकी डेस्क पर भी नहीं बैठ सकता, और अगर बैठ गया ना तो उसकी खैर नहीं फिर। पर अम्मी मैंने तो वही डांट दिया। अच्छा ऐसे छोरों तक दूर राख रहे हैं, मुंह ना लगा करते इनके। अरे अम्मी वो तो वो उसके साथी तो और भी चार चंदे आ गए और वो तो खड़े ही कूदे।
ये लाल बहू किसकी? मेरी। रस्त ये लाल बहू किसकी? मेरी। रे तेरी ना तेरे बाप दादा किया था मेरी। मेरी 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 मेरी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सुना भाई भाई इसका यूँ तो पता चल गया कि हम तीनों का ब्याह हो जाएगा। हाँ चल चल तो सुनो पर होगा किन के पता चल मैं बताता हूँ। चलो बाहर ब्याह हो जाएगा भाई तो हो गए पर पता कुकर कुकर चल लगा कैसे होगा अभी देख रहा हूँ। बन्नू के बात है भाई पट्टा उतर गया? पट्टा के यार या चैन सी चढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं के तो यूं उतरी रहा है। अच्छा देख जब से चढ़िया उतरी ना है। चकड़ी को लेके कर रहा बकवाद? चकड़ी बोल रहा है और की है अब भी तीर की डाल जा ना तो लगा ले। चल कहाँ लो किया कहाँ लो किया स्कूल तक किया बस चल चल रुक जा चल चले। भाई मैं चार तक गिनती गाऊंगा ठीक है ना और उससे पहले मैं चल पड़िए चल एक दो सही। बैठ जा बैठ जा खुद के ना हाजिर लंदे अब तो स्कूल मानते नहीं आज आज पढ़ नहीं सकते कसम खा रखी ना पढ़ने की ना खुद पढ़े ना पढ़ने दे बैठना दत्ता नाच रहा वही खड़ा खड़ा गुरुजी पर ठरना दे रही थी ना तो आप मुझे कह रहे चुप है अरे बैठने में तेज है बताओ सही ये मारे से बैठ लगा दी खाली डेस्क पे बैठ जाएगा इसमें थारी स्टार की चंदा चौकड़ी ने क्लास का अनुशासन भंग कर रखा अरे भी तो तीन ही दिखो मैं आई कहीं सर ले शैतान का नाम ले शैतान हाजिर आइए आइए श्रीमान बैठिए करियार कर की तरह झगड़ा तेरे झगड़े के अलावा कुछ काम है कि नहीं अरे हम भी कुछ कह रहे सुनते ही ना सांप सुन गया के आज किस तरह झगड़ा हमें तो बता अरे किसी का ना बस कैसे हाँ तेरे तो लाड़ प्यारे में चोटी लगती होगी पक्का यू कहीं आज पीट के आया नु ही नहीं बता रहा यू अरे किसने पीट दिया हमें तो बता दे अरे बताता क्यों ना है बता भी जो दे अजी जिसने खाया करा उसने बताने से मने कर दिया आज तो कोई ठीक ही मिल गया दिख के अजी ठीक के विनायक ठीक मिल गया चल बैठ
हाँ भाई क्या बात हुई तेरे बाप में क्या हुआ तो किस तरह आड़ हुई तेरी हमें क्यों नहीं बता रहा तू अरे किसी से कुछ ना तुम तो खामा खा गई अच्छा हमें बका रहा बिना कुछ हुए लंगड़ा रहा अरे मैं बता कौन है वो जरूर कोई महाराणी भाई बंद होगा जिसने इसकी टांग तोड़ी अरे भाई बंदी होगा ना मजा तो तब आता जब इसकी टांग तोड़ने वाले हाथ मारे खुद के होते कमाल का आदमी भाई तू इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा हमारा खून खोल रहा अरे तू एक बार हमें उसका नाम तो बता दे हम उसकी दोनों टांग तोड़ देंगे तो हमें बता किसने तेरे ईंट मारी पत्थर मारा डंडा मारा के मारा अरे किसी ने कुछ नहीं मारा बस अनजाने में कर गई ऐसा मेरा हाल पहले घायल कर दिया फिर दे गई वो रुमाल अरे यू किसी ने ना पिटा और क्या हुआ तो किसी ने लुटा अरे यू तो किसी ने लुटा की दांती पलगटी ठहर के धर लिए छोल में चलना छोल में क्यों क्या बात हुई छोल का नाम सुन के तो ऐसे भी दग गया जैसे तुझे मैं बॉर्डर पे ले जा रहा हूँ छोल नहीं जानता तू छोल तो मैं जानू पर मुझे स्कूल में ना जाना है छोल में जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई ना छूट जाओगी अरे एक दिन में तो ना तू डिप्टी बन जाएगा वो पर्ची आ रही वहां नहीं घेरनी थारी पर्ची आ रही मेरे पर्चे आ रहे मुझे पढ़ना ना आगे अरे हमें सब पता जितना तू पढ़े 10-10 दिन तो तू स्कूल में गए हो जा इब काम का वक्त आया तो तू पढ़ा हुआ बन रहा तड़की या तो छोल में आ जाइए नहीं तो चाचा जाने और तू जाने हम तो चले
सोगी मका सोगी के बात तो सुन मैं क्या कह रहा हूँ के कहो थम नींद आ रही है मुझे तो मतलब नींद मारते ही बढ़िया अच्छा सारा दिन इल्ला करेंगे तो नींद नहीं आओगी नाराज मत ना होए कल तेरी खत्म बोर खिलाऊंगा जब तुमने कोई काम करवाना हो तो ना मीठी मीठी बात करा करो तुम समझदार तो बतेरी है सारा दिन हो गया नहीं चुप चुप है कुछ ना कुछ ना तो फिर गुमसुम क्यों है हाँ गुमसुम गुमसुम तो हमारे तो पूछो क्यों है या इसका कुछ खो गया तो उस खोए को यहाँ क्यों ना रखते हो ले तो मैं भाई पर कोई मारे तो कहे तो सही कह तो रहे और कैसे कहेंगे लेके आया करो उसे भी थारे कहे तो बस मारे लो चल सके तो ये कह दे ये तो ऐसे ही बावड़े है ना तो नहीं करते रहेंगे उसका कहना स्कूल तो छुट्टी करना अच्छी बात ना है ओए होए तू भी कह दे कुछ आज तो इब तू के ले वे अरे हम के लेते हम तो बिना ली उदी हुई बदनाम हो रहे मेरा बस चलो थारा मुंह खड़ा करवा के तो मैं गधे बैठा के पूरे स्कूल में घुमा दूं तू एक काम कर ने मारे सिर पे मोड़ बंधवा के और घोड़ी पे बैठा के अपने गांव में को घुमा दे ये बड़ा की लड्डू खा लेंगे अच्छा घोड़ी के ऊपर गधे बैठा दूं अरे हम तो गधे में भी बैठ के आ जाएंगे तुम बुलाओ तो सही भाई देख ले कती फाली सी ठोक के जा है अरे के नौटंकी से कर रहे नौटंकी नौटंकी ना थारे काम में करेंगे हम जिप देखियो देखेंगे तो जरूर पर नाचोगे तो तमी ना उसमें जो करो अरे नाचना तो हमें ही पड़ेगा पर तुम देखते रहियो मुझे तो लगे तुम मुझे अभी नचाने पड़ते दिखो यहाँ से निकलने में खा जा चलो देख भाई सुन ले बात इब तो मार दे टेम नहीं इस बारे में हम बात फिर करेंगे डर को अरे यू ना सोचिए हम तुमसे डर गए अरे जा जा थारा जाने में ही फायदा जा घरू जाके दूध पी रे दूध भी पीवेंगे और खीस भी खाएंगे और एक दिन जरूर आवेंगे आए रे साली जी जो मर गया तेरे प्यार में तने बेरा ना खबर ओए एक बीड़ी लिखाई दी बीड़ी बीड़ी का मेरे पे के मतलब रहेगा ये मना करे बीड़ी दे दे रे हां मां की बकवास मत करेगा हर टाइम ले तो फिर ठीक है मैं भी चाचा से कह दूंगा मनोज बीड़ी पीवे कह दिए मैं भी कह दूंगा के अब जब ये ट्रैक्टर में तेल गिरवान जावे ना तो उसमें तो पैसे बचा के अपनी बहू की ना जलेबी लावे अरे तू तो पूरा जहरी है रे और मैं तो और भी बहुत बात जानू और के जाने मैं तो या भी जानू अब जब कोल्लू पे 15 क्विंटल गांडे गिरे हैं ना और घर में बताया जहाँ 12 क्विंटल अरे तू तो पूरा सीआईडी का फुप्पा हो रहा भाई तू ना दे बीड़ी बीड़ी मुझे तो कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा जल्दी कर ना चाचा भी यहीं आ लेगा अरे मनोज भाई आज तो हद होगी भाई अरे बिल्कुल कमाल हो गए हद के लॉटरी सी लग गई लॉटरी के भाई इसके तो भाग खुल गए क्यों तुम बिना पेपर दिए पास हो गए के अरे पेपरों का मार गोली आज आज तो भगवान राज्जी हो गया अरे कुछ होया भी बताते नहीं थूक भी लो रहे खामा खा बता दो नहीं 22 बात को बताने का तो पैसे लगेंगे हाथ जेब में गेर पैसे काट कुछ खर्च कर ले मतलब थारी बात सुनने के लिए मैं कुछ खर्च करूँगा थारी बात और गधे की लात अरे है ना सुन दी भाई रुमाल वाली बात चलो सुनो तो सही यार कुछ कहो तो सही क्या हो गया कुछ बताओ तो सही भाई खर्चे वाली बात है
हाथ गिर इसमें जेब में पैसे रिकॉर्ड। अरे खर्चा थार ते बढ़िया आके। भाई एक बात बता दे यार, उसे रुमाल वाले को के पिया दिया? अरे क्यों यार, कुछ कह रही थी के? भाई ज्यादा के सुनावे, वह यूं कह रही थी अगर कल को स्कूल में नहीं आया तो मारा मुंह ना देखे।